राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा ने प्रदेश की चारों सांसदों पर निशाना साधा है। डोगरा ने सांसदों और चुनावों के नजदीक आते ही जनता की याद आने की बात कही है। डोगरा ने कहा कि प्रदेश की जनता भी अब सांसदों की राजनीति को समझ चुकी है और इन लोकसभा चुनावों में जवाब देने की तैयारी कर रही है। एनसीपी पार्टी ने लोकसभा सीट पर चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और आने वाले लोकसभा चुनावों में एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। हमीरपुर में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं को जमकर लताड़ लगाई है। वहीं रविंद्र सिंह डोगरा ने वर्तमान में सांसद के द्वारा जनता को गुमराह करने के आरोप भी लगाया है। रविंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि चारों सांसद बीजेपी के हैं और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन हिमाचल में सांसदों ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसदों ने केवल समय ही व्यतीत किया है और कई सांसद रेल की बात कर रहे हैं तो कई हवाई जहाज की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चारों सांसदों को चुनावों के नजदीक ही लोगों की याद आई है। रविंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी केवल मात्र आश्वासन की राजनीति ही की है और ना तो रेल लाइन का कुछ हुआ तो कई जगह विकास कार्य लटके हुए हैं, जिसका जवाब जनता अब चुनावों के दौरान मांगेगी। चुनावों के लिए पार्टी ने मुझे बागडोर दी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले चार सालों में यहाँ पे जो काम किया है उसी को देखते हुए पार्टी ने दोबारा मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि लोकसभा की तैयारी हम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और माननीय शरद पवार जी ने ये कहा है कि प्रदेश स्तर पे जो है कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन की चर्चा कीजिए। वो एक अलग मुद्दा है, जब चुनाव घोषित होंगे उसके बाद हमारी क्या रणनीति रहेगी वो हम तब आपको बताएंगे। लेकिन एक बात यह है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार भाजपा की है, राज्य सरकार भी हिमाचल में भाजपा की है, और चारों के चारों सांसद जो हैं वो भी भाजपा के हैं। लेकिन पिछले चार सालों में अगर हम 8 महीने का कार्यकाल भाजपा सरकार का हिमाचल में हटा दें, उसके बावजूद पिछले 4 सालों में चारों सांसद जो भाजपा के थे उन्होंने प्रदेश के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे हम नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि मान के हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कुछ अच्छा कह सकें। उन्होंने सिर्फ समय व्यतीत किया है और अब अपने अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए कहीं किसी सांसद ने स्वास्थ्य सेवाएं निकाल दी हैं, कोई रेल की बात कर रहा है, कोई हवाई जहाज की बात कर रहा है। तो मेरा यह कहना है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया जो आज एकदम जब उनको मालूम है कि चुनाव सर पे हैं तो इन बातों को वो उठा रहे हैं। और मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूं, इन सब चीजों के लिए ना तो कांग्रेस के सांसदों ने कुछ खास मेहनत करी अपने पूर्व के कार्यकाल में और ना ही बीजेपी के सांसदों ने कुछ खास मेहनत करी है और वो आगे भी नहीं करेंगे, ये मात्र दिखावा है। हमीरपुर की जहां तक अगर हम बात करेंगे कि हमीरपुर जिला जो है बड़ा एक राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से बड़ा ही खुला हुआ जिला है, क्योंकि जैसे आप ऊना की बात करेंगे तो वहां कुछ पंजाब का एरिया लगता है, कांगड़ा की कुछ अगर आप कंस्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे तो वो थोड़े मतलब तराई वाले क्षेत्रों में आ जाती है। हमीरपुर का ऊपर का इलाका अगर हम धर्मपुर तक की बात करें या मंडी के तो ये थोड़ा रूरल एरिया में आ जाता है, तो हर लोगों की अलग अलग जो मनोदशा है और उनकी सोच भी थोड़ी अलग अलग है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार अनुराग ठाकुर जी का जीतना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि लोगों के दिल में उनके प्रति जो भावना है वो ये आ गई कि पिछली 3 टर्म में उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम हमीरपुर लोकसभा के लिए नहीं किया सिवाय वादों के कि उनको वो सोचे आगे जिताने के लिए। जैसे आप धर्मपुर के अंदर एक कमलाइया जो है देवी देवताओं का एक मंदिर है, वहां का सड़क निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ, रेल की आप बात करते ही हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने कभी जेपी नड्डा जी से आज तक क्यों नहीं बात करी कि हमीरपुर की जो हॉस्पिटल के अंदर किडनी की मशीन नहीं चल रही है वो क्यों नहीं चलती है, वो आज तक मेडिकल कॉलेज क्यों तैयार नहीं हुआ। इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसका जवाब जनता उनसे मांगेगी और इसमें हमारे कहने की कोई बात ही नहीं है, ये लोग सारे जानते हैं और प्रदेश की जनता इन सवालों को उठाती रही है और अभी इस लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से उठाएगी।